हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई गाइस रौनक और मेरे साथ। तो रौनक यहाँ जल्दी उठ गया था क्योंकि फिर सोता रहता है बाद में, तो मैं इसको परेशान करती हूँ कॉल करके। तो इसने मुझे रात को कह के सोया था, मम्मी मुझे सब कुछ जल्दी उठा देना अपने जाने से पहले। तो इसलिए मैंने उसको जल्दी उठा दिया, इसने नाश्ता कर लिया। तो गाइस, मेरा भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम खत्म हो चुका है और पूजा भी मेरी हो चुकी है। बस मैं आधे पौने घंटे में ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। तो मैंने सोचा अपनी गाइस को, अपनी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग विश कर दूँ। और गाइस, आज 13 अप्रैल है, तो आपको आज बहुत ही पवित्र दिन है। तो आप सबको, चलो मैं पंजाबी बोलती गाइस, तो मेरी तरफ तो और रौनक की तरफ तो बैसाखी विसाखी दी लख 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 बधाई होवे गाइस। विसाखी का त्यौहार तुहाडे वास्ते और तुहाडे प्यारे परिवार वास्ते बहुत ही सुखा भरिया रहे, और आन वाला पूरा साल जो चल रहा है वो तुहाडे वास्ते खुशियां भरिया होवे। और नवरात्रि दी भी लख लख बधाई, और नवरात्रि दी लख लख बधाई ते हैगी है। तो इसलिए बस सुबह की शुरुआत होगी गाइस। अभी हम काम करेंगे थोड़ा सा अपना, और उसके बाद ऑफिस चले जाऊंगी, और रौनक अपना घर में पूरे दिन टाइम पास करेगा क्योंकि अभी पढ़ाई का कोई नाम निशान नहीं पढ़ता है। मैं पढ़ता हूं, तो है मतलब थोड़ा सा कि बुक्स खोल के देख ली गाइस, उसके बाद फिर बुक्स को बंद कर दिया। तो बस इतना सही है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में 5-6 दिनों में पढ़ाई शुरू हुई, तो इतना कुछ है नहीं। तो बस रौनक अपना काम करेगा जो भी करना होगा उसको, और मैं ऑफिस चले जाऊंगी गाइस। तो मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ कि गाइस, नवरात्रों की आपको बहुत बहुत बधाई हो, और साथ में आपको विसाखी की बहुत 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 मुबारक हो गाइस। तो गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। मम्मी आपसे बाद में मिलेंगे। तो गाइस, हमारे कमरे में आइए कोको। आपको बताता हूँ क्यों आइए। अभी देखो, बाहर देखो, ये अभी बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं। और ये ना यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर है पीछे दरवाजा और इसको वहाँ से जाना है बाहर। तो बाहर जाएगी कोको, अभी मैं दरवाजा खोलूंगा ना, फटाफट से बाहर आएगी। देखो बाहर का, बाहर कितनी अंधेर है, कितना कहाँ जा रही है, रुक रुक, इसको बाहर जाने से ले जा रही है। गाइस देखो बाहर का नज़ारा, बारिश हो रखी है और मस्त में अभी बूंदाबांदी हो रही है। और देखो कैसा सा मौसम हो रखा है, हवा चल रही है एकदम बढ़िया सी, और अंधेरा हो रखा है एकदम, वो भी 4:30 बजे। ऐसा लग रहा है सर्दियों का टाइम चल रहा है और 6-7 बज गए। तो बस अभी बारिश आ रही है, मैं बाहर, अभी ना हवा आ रही है काफ़ी अच्छी, तो मैं बाहर ही बैठूंगा अभी थोड़ी देर के लिए, और चाय अपने लिए बना लेता हूँ। गाइस बाहर तो बिजली कड़क रही है, तो मेरा मन कर गया चाय पीने का। तो बस मैं अपने लिए बनाऊंगा चाय, अदरक वाली और इलायची वाली मस्त, और बाहर बैठ जाऊंगा मैं, मतलब वेड़े में ना, वेड़े नहीं मतलब जो सीढ़ियाँ है ना दरवाजे के पास से सीढ़ियाँ, तो वहीं पे बैठ जाऊंगा मैं, दरवाजा खोलकर हवा लूंगा। तो गाइस मेरी चाय हो चुकी है रेडी, और बाहर हो रही है एकदम मस्त बारिश। कोको भी अपना आनंद ले रही है बारिश का। तो मैं भी जाता हूँ वहाँ पर, बैठ जाता हूँ सीढ़ियों में और हवा लेता हूँ, एकदम आनंद लेता हूँ कोको की तरह बारिश का। और हाँ, टी शर्ट मैंने चेंज कर ली क्योंकि ना जो वो वाली थी ना टी शर्ट, उसके ऊपर पानी गिर गया था। ये जो मैंने ब्लू वाली पहनी थी एकदम गीली हो गई है, इसलिए मैंने अभी ये पीच वाली पहनी है। तो गाइस आज हो रही है ऑफिस के बाहर बारिश, मौसम ऐसा हो रखा है, ये देखो बहुत इसकी बारिश आ रही है, मेरा फोन भी गीला हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैम का काम हो रहा है गाइस, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई दिख नहीं रहा है वैसे भी, सब नीचे बैठे हुए हैं ना सारे। और आपका हो गया काम? आपका? मेरा हो रहा है अभी, जल्दी करो घर चलते हैं। हाँ बारिश भी हो रही है, बाहर ना, हाँ ठीक है, जल्दी निकल जाएंगे। ठीक गाइस, अभी बज रहे 7:30, मम्मी आने लगी है ऑफिस से, तो अब मम्मी के लिए चाय बनाऊंगा मैं, खुद के लिए तो बना लिया, मम्मी के लिए भी बनानी है ना, बस मम्मी के लिए चाय बना रहा हूँ मैं। गाइस ये रही मेरी चाय, इसके अंदर मैंने डाला है लौंग डाली है, इलायची डाली है, अदरक ना थोड़ा सा लगता है मतलब गले पे, तो आप तो थोड़ा सा ना ठीक ठीक लग रहा हूँ, मतलब मेरे को पसंद नहीं है मतलब अदरक वाली चाय इतनी अभी, तो हाँ मैंने सिर्फ इसके अंदर इलायची और लौंग डाली है। जब तक चाय बनेगी मम्मी आ जाएगी, तो मैं सेड़े पर रख दिया मेरे हिसाब से, मैंने जैसी मम्मी आएगी फटाफट से उनको मैं डालकर दे दूँगा चाय, मैं खुद भी पीऊँगा, अपने लिए भी बनाई मैंने। और पूछी यहाँ पर अकेले बैठी हुई है बेचारी, हमेशा अकेले ही बैठी रहती है, हड्डी खा रही होगी अपनी। और कोको भी अकेले ही बैठी रहती है, लेकिन यहाँ पर दरवाजे के पास बैठी रहती है। कोको को चाहिए सिर्फ है, हमेशा लेटी रहती है तो यहीं पे, इसके परफेक्ट, इसकी यही है फेवरेट पोजीशन, इधर ही लेटी रहती है हमेशा, ये पता नहीं क्या देखती रहती है बाहर। चल इंजॉय कर, बाय
गाइस हम आए हैं मंदिर अभी, आज भी आए हैं। नवरात्र के टाइम में तो आने चाहिए ना। नवरात्र में तो वैसे कि दो दिन लास्ट नवरात्र रह गए गाइस, तो हमने सोचा कि हम आने के आना चाहिए, तो बस अभी अभी हम दोनों आए हैं। आज बैसाखी है तो हमने सोचा कि गुरुद्वारे माथा टेक लें, क्योंकि बड़े दिनों से आएंगे थे तो आज मंदिर गुरुद्वारे दोनों जगह पे आएंगे, तो इसलिए अभी माथा टेक के फिर हम सीधा घर जाएंगे। जिसै जगाए प्यावे रस दा तथा पिंजान जापो आए सुलिया जो आलू कैसे बने और दाल? दोनों चीजें अच्छी अच्छी बनाती हो। दाल तो मैंने सुबह बनाई थी, तो मैंने कहा चल देख लियो, और आलू अभी बन अभी मैंने कहा चल दो चार आलू उबले हुए पड़े हुए हैं तो वो बना देती हूँ साथ में। बढ़िया बने, अच्छी बनी है। बिना प्याज के ज्यादा बढ़िया बने, बिना प्याज लहसुन के अच्छा बनता है ना वैसे। कल 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 कड़ी नहीं, कल परसों तो हमारा व्रत है दोनों का, करना चाहिए। मतलब ज्यादा यूज नहीं है, ये नहीं कि हर सब्जी में हम डाल रहे हैं तो वैसे करके अननेसेसरी हो जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। हाँ मतलब वही तो, कभी कभी डालना चाहिए, कभी कभी उसके बिना भी खाना चाहिए, क्योंकि ना फिर नवरात्रों में समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या खाए क्या। हाँ जी हाँ जी, पता है पता है भाई, पता है तुम्हें भी पता है, हमें पता है ना। ठीक है चल तू खाना खा ले, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना बुक्स खोल के देख ले बेबी। ठीक है क्या पढ़ा था? मैथ्स। ठीक है तो कल ट्यूशन का पूछ के आऊंगी तेरा। ठीक है आज प्रसाद नहीं खा के मंदिर से, आज प्रसाद नहीं खा के, जैसे ही अपने माथा देखा मैंने कैसे करते हैं, पहले बैठने से पहले ना मैंने देख लेते लंगर है या नहीं, वहां पे जाके देखा इतनी भीड़ थी, और मतलब अंदर बैठे हुए थे सब लंगर खा रहे थे और बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि वेट कौन करेगा। पहली बात तो मेन चीज है कि माथा टेकना, मेन चीज है तेरे को भेंटे सुननी होती है। हाँ, कोई 15-20-25 मिनट बैठे थे हम लोग, फिर हम गोलगप्पे खाए। कितना दिल लगता है ये, इसका इतना मन लगता है, कहता है आप ऑफिस से आते हो 7:30-7:30 मुझे वहाँ पे छोड़ा ना 7:00 8:30-8:30 शुरू हो जाता है। हाँ वही कह रहा है। हाँ, हाँ। आज भीड़ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, धीरे 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 जैसे नवरात्रि आ रहे आगे आगे आगे। और देखियो जिस दिन सातवा नवरात्रि, वो पता नहीं हमारे एक सब्सक्राइबर मिले थे, कह रहे क्या नाम था, रुचि रुचि, तो कह रहे आप ब्लॉग बनाते हैं, मैंने बोला हाँ, तो कह रहे मैं पहचान लिया रौनक रौनक, ऐसी बड़ी देर बात करती हूँ, फिर कहती कि जब लास्ट नवरात्र होगा ना बहुत रश होगा, बहुत रश, चंचल चंचल नहीं है जो एक, हाँ हाँ नहीं उसका डुप्लीकेट आएगा। अच्छा वो नहीं नहीं चंचल जी तो है नहीं ना। हाँ, अच्छा उनके डुप्लीकेट। हाँ वो आएंगे थे, बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, तो हम जल्दी चले जाएंगे ना फिर सीधा। चलो उस दिन जल्दी चल पड़ेंगे, चल पड़ना साथ में। हाँ जीना के साथ स्कूटी पे चलेंगे, फिर तू स्कूटी पे चलेगी मैं पैदल घर से आऊंगी, फिर रात को रिक्शे की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वही बात है, फिर जीना के साथ चलेंगे। नहीं वैसे तो मैं तीनों को बिठा लूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं मम्मा प्लीज, मम्मी मेरे को नहीं चला पाती, मेरे साथ मेरे को नहीं चला पाती, बताओ
ऐसे करके ऐसे पता कैसे बैठता है ये टांगे छोड़ी देता हूँ नहीं आप मम्मी ना जान बुझ कर जहाँ पे स्कूटी होती है जहाँ पे कुत्ते ना वही सामने से लेकर जाती है मम्मी इधर गड्ढा है एक बात होता है इतना गड्ढा ऐसा कि जो सीवर होता है ना उसका ढक्कन खोला हुआ है। हम गंगा वाटे से निकलते ना रास्ता वही मेन आता है रोड पे जाने के लिए तो इधर से घुमा के इधर ही आना तो मैं वही से निकलूंगी ना तो वो सीवर है उसका ढक्कन खुला हुआ है। अब मुझे ये बताओ इधर इधर रस्ते से निकाल सकती हूँ और इधर कुत्ता है तो मैं क्या करूंगी बीच में सोना निकालूंगी ना ना बीच में सोना जाएगी तो मैं कुत्ते की साइड से निकालूंगी ना। हाँ कम से हॉर्न बजा के उसको भगा तो दो। अच्छा हॉर्न बजा के उसको पहले बता दूं मैं आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ तुम काट जा काट जा हमारे पीछे पड़ जा तो मैं गड्ढे के ऊपर से नहीं निकालूंगी क्योंकि गड्ढे के यहाँ से ना सच्ची बोलूं तो इतना सा स्पेस है सिर्फ उसके ऊपर ढेर लगा पड़ा है मैं कहाँ से निकलूं मुझे छोड़ देना वहाँ पे और मैं रात को 12 बजे मुझे लेने के लिए आ जाना उसके बाद में खाना मैंने सोच लिया घर छोड़ने का फैसला कर लिया मैंने घर छोड़ने का फैसला इसलिए क्योंकि ये परेशान हो गया मेरे से क्योंकि मैं बोलती बोलती नहीं वो बात नहीं है कर ले ऐसे कर ले वैसे कर ले वो बात नहीं है मैंने माता रानी की शरण में जा रहा हूँ मैं वहाँ सन्यासी बन रहे हैं मतलब वहाँ पे थोड़ी सी शांति मिल जाती फिर घर पे जा रहा हूँ घर पे बैठे बैठे क्या करूंगा मैं जैसे कोई आता ना कि जैसे जय माता दी अभी राधे कृष्ण के नाम जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता मैं नहीं सुनिया जय माता दी जोर से बोल ये बात बड़ा अच्छा लगता है बड़ा अच्छा अंदर एक वो मन पता है अंदर से ना ऐसे सुनने पड़ता है ना माता रानी के नाम लेता एक वाइब्रेशन होती है हां बड़ी अच्छी लगती है तू माता के दरबार पे जा तुझे कैसा फील होता है ऐसा लगता है माता रानी आगे सामने आ जाए हमें यहाँ पे इतना मजा आ रहा है मंदिर में माता रानी पे कितना मजा आएगा माता रानी पे और अगर आप वृंदावन जाते हो वहाँ पे कितना मजा आएगा बड़ा मजा आता है चलेंगे पक्का चलेंगे एक बार ये शादी हो जाए चीना के फ्रेंड की फिर चलते हैं बनाते हैं प्रोग्राम फिर आगे गर्मी आ जाएगी नहीं जा पाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा अरे तोड़ दे एक दिन में भाभी आना जाना करेंगे हाँ सुबह उस दिन मैं कंचन के साथ 5 बजे गई हूँ सुबह और 4 बजे घर थी यानी कि 12 घंटे भी नहीं लगे तो फिर ऐसे ही कर लेंगे फटाफट से जाके चीना के साथ गाड़ी में चलेंगे चीना गाड़ी चलेंगे उसको रास्ते से ले नहीं सकते हम लोग रास्ता तो वही पड़ेगा ना हाँ ले लेंगे फिर उसको रास्ते में ले लेंगे ऐसे हम निकलेंगे 5 बजे 6 बजे जितने बजे भी निकलते हैं उसको वहां से पिक करके उसको क्या हंस रहे हो ले लेंगे मैंने हंसी तो है मैं थोड़ा ले लेंगे हाँ ले आएंगे ले लेंगे ठीक है आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जिन्होंने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी करो निक्सन रो और इनकी कौन सी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन रो निक्स एंड रोनक उनको भी अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो उस आईडी को भी जल्दी से जाके फॉलो करो क्योंकि ये भी अच्छे अच्छे रील्स बनाते हैं मिलते हैं बनाते हो मतलब इतने नहीं बनाई ना हमने थोड़ी सी बनाई ना जितनी भी बनाई है मैंने धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे अगर लोग पसंद करेंगे तो आप लोग बनाओगे ना हाँ तो उसको भी जाके फॉलो करो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ एक नई सुबह के साथ और कल है 6वां नवरात्रा यानी कि पता भी नहीं चला नवरात्रे कब धीरे धीरे खत्म होने खत्म हो पता भी नहीं चला अब जैसे 2 दिन के रहेंगे कल का होगा ऐसे पूरा का पूरा जो एक माहौल होता है ना ममतामय बन जाता है ना मातामय बन जाता है जैसे सुबह उठना है हमें आरती करनी है ये करना एक डेली रूटीन नहीं होता ना ऐसे ये बड़ा अच्छा लगता है सुबह ये एक स्पेशल जैसे स्पेशल बड़ा स्पेशल फील होता है अभी हम मंदिर भी हो कितना स्पेशल स्पेशल लगती है सबको होता है कि माता रानी के नवरात्रे हैं माता रानी के नवरात्रे हैं सब लगे रहते हैं चलो अच्छी बात है भगवान के प्रति श्रद्धा तो सबकी होनी चाहिए सब भगवान एक जैसे हैं अब हम शिरडी जाते हैं कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है सब भगवान को मानते हैं तो मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह के साथ जब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक केयर बाय बाय